अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड टू सी यू ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ देखेंगे आपके क्या है मेरे पास सरप्राइज़। सरप्राइज़ ये है कि मेरे पास है आपके लिए एक फ्लावर पॉट। ये फ्लावर पॉट है और इसमें आपको कुछ कलरफुल से फ्लावर्स दिख रहे होंगे। ओ, एक गिर गया, कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेते हैं। ये है मेरे पास कुछ फ्लावर्स आपके लिए, बट ये रियल फ्लावर्स नहीं हैं, ये फॉर्मिंग शीट फ्लावर्स हैं। ओके चिल्ड्रन, जब हमारे अब ये फ्लावर्स आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों लेकर आई हूँ। ये फ्लावर्स मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि आज हम इन्हें काउंट करेंगे और एक न्यू नंबर से मिलेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। तो आपने मेरे साथ क्या करना है, इन फ्लावर्स को काउंट करना है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर आता है और उस नंबर से फिर हमने फ्रेंडशिप भी करनी है। ठीक है, तो मेरे साथ सब जल्दी जल्दी से इनको फ्लावर्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last one is 10. So children, tell me how many flowers I have. I have 10 flowers. ये मेरे पास हैं 10 फ्लावर्स। तो हमने जब इन्हें काउंट किया तो हमारे पास कौन सा नंबर आया, नंबर 10 आया है। तो इसी तरह से ये मैंने फ्लावर्स काउंट किए, आपने भी मेरे साथ काउंट किए और हमारे पास ये 10 फ्लावर्स हो गए पॉट में। अब आप भी एक्टिविटी अपने घर में कर सकते हैं। तो आप भी जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लें और उन्हें काउंट करें जो कि 10 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, 10 स्पून, फोक, प्लेट्स, क्रेयॉन, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स। तो इस तरह की आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उन्हें काउंट करना है। और वो जब काउंट हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास, जैसे मेरे पास 10 फ्लावर्स थे, इसी तरह आपके पास कुछ भी 10 हो सकता है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल्स बताई हैं। ये एक्टिविटी आप भी अपनी मम्मा के साथ घर पर कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्टिविटी हमने कर ली, नंबर भी हमें पता चल गया। तो अब हम 10 से मिल लेते हैं। क्या आप पहले कभी 10 को देखा है आपने कि 10 हमें दिखता कैसा है या वो किस तरह हम उसे लिखते हैं? तो देख लेते हैं हमारे पास नंबर 10 दिखता कैसे है। हेयर इट इज़, दिस इज़ नंबर 10, दिस इज़ नंबर 10 चिल्ड्रन। यहाँ पे नंबर 10 आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये आप अच्छे से देख लें ताकि आप कहीं पर भी देखें तो आप फौरन से याद आ जाए कि ये कौन सा नंबर है। वेरी गुड, ये नंबर है 10। नंबर आ गया है हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंडशिप कर लेते हैं इससे। फ्रेंडशिप करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी ज्वाइन करनी होती है टू फिंगर्स। तो जल्दी से सब अपनी टू फिंगर्स ज्वाइन करें और मेरे साथ राइम रीड करेंगे और फिर हम इससे करेंगे फ्रेंडशिप। तो सब बच्चों ने टू फिंगर्स इस तरह ज्वाइन कर लिए हैं। वेरी गुड, चलें फ्रेंडशिप कर लेते हैं। 10 इज लाइक अ बैट एंड बॉल। रिपीट अगेन, 10 इज लाइक अ बैट एंड बॉल। ओके चिल्ड्रन, आपको अब फ्रेंडशिप भी हमने कर ली है 10 से। अब हम आगे क्या करेंगे, कोई बताएगा मुझे? जी, हम इसका कुछ वर्क करेंगे नंबर 10 का। सो टेक आउट योर मैथ्स प्रिया 1 बुक एंड ओपन पेज नंबर 69। हरी अब जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 69 भी ओपन कर लें। हियर इज पेज, ऑन दिस पेज व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट रीड द आइकन देन स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट आइकन इज काउंट, ट्रेस, कलर एंड आफ्टर दैट राइट डेट ऑन डेट सेक्शन। चिल्ड्रन, यहाँ पे पेज पे आप देख रहे होंगे एक नंबर है, नंबर
वेरी गुड, नंबर 10। उसके नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द आइकन्स हमें सबसे पहले काउंट करना है। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये हैं विसल्स, तो हम इन्हें पहले काउंट कर लेते हैं। तो मेरे साथ से आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। सो चिल्ड्रन, हाउ मैनी विसल्स आर देयर? 10 विसल्स, वेरी गुड। और उसके बाद हमने क्या करना है? ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग कहाँ करेंगे आप? ट्रेसिंग करेंगे ये जो हॉलो 10 लिखा हुआ है, आपने इसमें नीट एंड क्लीन विद क्रेयॉन ट्रेसिंग करनी है। जब आप ये ट्रेसिंग कंप्लीट कर लेंगे, द लास्ट वर्क इज कलरिंग, जो आपका फेवरेट वर्क है। नीट एंड क्लीन विसल्स में कलरिंग करेंगे, देन अपनी मम्मा को ये पेज चेक करवाएंगे या अपनी टीचर को। देन क्लोज योर बुक्स एंड पुट इट इन योर बैग। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक न्यू एक्टिविटी, एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।